सबको नहीं बुलाया यार। गया बेचारा वो। चलो अपन करते हैं स्टार्ट। अपन यहाँ पर ब्लॉक ऑपरेशन मोड पढ़ रहे थे। ऑपरेशन मोड बेसिकली चार टाइप के हैं, ईसीबी, सीबीसी, सीएफबी और ओएफबी। ठीक है, तो इसमें इसमें अपन जो है और दूसरे जो आपके ब्लॉक साइफर के मोड हैं वो कवर करते हैं आज। पहला है सीएफबी। सीएफबी जो है ना वो है साइफर फीडबैक मोड। तो जो साइफर फीडबैक मोड है उसका डायग्राम ये दिया हुआ है आपका, साइफर फीडबैक मोड का। इसमें और बाकी के जो दो डायग्राम है उसमें डिफरेंस काफी आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई एक आर बिट चीज हुई है ऐड। ठीक है, I4 जो है इनिशियलाइजेशन वेक्टर एज इट इज बना हुआ है, प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट भी बने हुए हैं, और यहाँ पे एक कंसेप्ट आया है शिफ्ट रजिस्टर का, 4 बिट का शिफ्ट रजिस्टर का, 4 जो एन बिट का शिफ्ट रजिस्टर है उसका कंसेप्ट आया है। तो जो साइफर फीडबैक मोड है, मतलब हमें फीडबैक बन पढ़ते हैं, तो साइफर फीडबैक मोड वाज क्रिएटेड फॉर दोस सिचुएशन इन विच वी नीड टू सेंड और रिसीव आर बिट्स ऑफ डेटा। जब भी हमें आर बिट्स ऑफ डेटा सेंड करना होता है, इसका मतलब क्या है आर बिट का, मतलब हमें डेटा की लेंथ नहीं मालूम है, वेरिएबल लेंथ का डेटा है, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट आर बिट्स ऑफ डेटा। सो व्हेनेवर वी वांट टू सेंड आर बिट ऑफ डेटा वी आर यूजिंग साइफर फीडबैक स्कीम वेयर आर इज द नंबर डिफरेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग ब्लॉक साइज ऑफ द इंक्रिप्शन साइफर यूज्ड। द वैल्यू ऑफ द आर कैन बी 1, 4, 8 और एनी नंबर ऑफ बिट्स। जो वैल्यू ऑफ आर है वो कुछ भी हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, या कोई भी नंबर ऑफ बिट्स हो सकती है। सिंस ऑल ब्लॉक साइफर वर्क ऑन ए ब्लॉक ऑफ डेटा एट ए टाइम, क्योंकि ये ब्लॉक साइफर का टेक्निक है, इसलिए जो भी काम होगा ब्लॉक ऑफ डेटा पर होगा। सो द प्रॉब्लम इज हाउ टू इनक्रिप्ट जस्ट आर बिट्स। इधर पे एक प्रॉब्लम आती है आपकी कि हम किस तरीके से आर बिट को इनक्रिप्ट करें। द सोल्यूशन इज टू लेट द साइफर इनक्रिप्ट अ ब्लॉक ऑफ बिट्स एंड यूज ओनली द फर्स्ट आर बिट्स एज ए न्यू की टू इनक्रिप्ट द आर बिट्स ऑफ यूजर डेटा। इसमें क्या सोल्यूशन क्या है, इसमें जो मेजर इशू आ रहा है वो ये है कि ऑल ब्लॉक साइफर वर्क ऑन अ ब्लॉक ऑफ डेटा एट ए टाइम। जितने भी ब्लॉक साइफर्स हैं वो एक बार में एक ही ब्लॉक ऑफ डेटा पर काम कर रहे हैं। तो जब हमें इनक्रिप्ट करना होता है तो हमें ये पता नहीं लगता है कि हाउ टू इनक्रिप्ट जस्ट आर बिट्स, किस तरीके से आर बिट्स को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। आर बिट्स कैन बी ऑफ एनी वेरिएबल लेंथ डेटा, 1, 4, 8 कुछ भी हो सकता है। द सोल्यूशन इज टू लेट द इनक्रिप्ट साइफर अ ब्लॉक ऑफ बिट्स एंड यूज ओनली द फर्स्ट आर बिट्स एज ए न्यू की। मतलब सोल्यूशन ये है कि हम साइफर करें इनक्रिप्ट उस ब्लॉक ऑफ बिट्स को और उसे यूज करें एज फर्स्ट आर बिट्स एज ए न्यू की, स्ट्रीम की। एक स्ट्रीम साइफर का कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है अपन ने, लास्ट टॉपिक है ये, स्ट्रीम बिट्स स्ट्रीम की के तौर पे उसको अपन यूज करें टू इनक्रिप्ट द आर बिट्स ऑफ द यूजर डेटा। द फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीएफबी। सीएफबी के कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ वी चेंज द आईवी। आईवी क्या है यहाँ पे, जो आपने पहले पढ़ा था सीबीसी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर। हाँ, इनिशिएशन या इनिशियलाइजेशन वेक्टर, एक्चुअली क्या डायग्राम में इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है और जो अपना टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट है ना उसमें लिखा हुआ है इनिशिएशन वेक्टर। तो देखते हैं इनिशिएशन और इनिशियलाइजेशन। इनिशिएशन वेक्टर अपन यूज करते हैं। सो इफ वी चेंज द इनिशिएशन वेक्टर फ्रॉम वन इंक्रिप्शन टू अनदर यूजिंग द सेम प्लेन टेक्स्ट द साइफर टेक्स्ट इज डिफरेंट। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यदि हम इफ वी चेंज द इनिशिएशन वेक्टर फ्रॉम वन इंक्रिप्शन टू अनदर यूजिंग द सेम प्लेन टेक्स्ट द साइफर टेक्स्ट इज डिफरेंट। मतलब एक ही प्लेन टेक्स्ट को यदि हम अलग अलग इनिशिएशन वेक्टर लगाएंगे तो हमें अलग अलग साइफर टेक्स्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये है
जबकि वहां पे क्या हो रहा था, जो स्टार्टिंग वाली थी उसमें जो प्लेन टेक्स्ट लगा रहे थे उतने ही बिट का साइफर टेक्स्ट निकल रहा था। यहाँ पे सिक्योरिटी की गारंटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट लगा रहे हैं, फिर उस पर इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा रहे हैं, तो हर बार इनिशिएशन वेक्टर के वजह से हमें नया नया साइफर टेक्स्ट मिल रहा है। इसका मतलब हमारी टेक्निक को डीकोड करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार साइफर टेक्स्ट नया डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, द साइफर टेक्स्ट सीआई डिपेंड्स ऑन बोथ पीआई एंड द प्रिसीडिंग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। अब यहाँ पे जो प्रिसीडिंग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है ना, वो ये है कि पहले वाला जो साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है जो बना है उस पर भी डिपेंड करेगा जो करंट का साइफर टेक्स्ट ब्लॉक बना है। मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट जो आता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा आफ्टर द नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक। जैसे कि पहले वाले अपन ने ब्लॉकिंग सिस्टम में पढ़ा था कि ईच एंड एवरी साइफर एंड प्लेन टेक्स्ट आर इंडिविजुअली वर्क, मतलब वहां पे कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, जो साइफर जा रहा, जो प्लेन टेक्स्ट जा रहा था उसी का साइफर निकल के आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम होने के कारण क्या है कि जो हमारा पुराना साइफर टेक्स्ट और जो नया निकला है, दोनों, जैसे आपने लिंक लिस्ट का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब हर एक लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट वाला होता है वो उसका लास्ट हो जाता है, और जो लास्ट वाला होता है वो उसका फर्स्ट हो जाता है। कुछ इस तरीके का कंसेप्ट आपका साइफर फीडबैक फॉर्मेट में है। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, आउटबुक आउटपुट फीडबैक। OFB का फुल फॉर्म है आउटपुट फीडबैक। आउटपुट फीडबैक, और इस फीडबैक में आप यहाँ पे डायग्राम में बस डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, PI रिप्रेजेंट द प्लेन टेक्स्ट, CI रिप्रेजेंट द साइफर टेक्स्ट, IV सिंपली रिप्रेजेंट द इनिशियलाइजेशन या इनिशियलेशन वेक्टर, आपकी N बिट्स की जबकि की है, इंक्रिप्शन के लिए यूज भी हो रहा है, डिक्रिप्शन के लिए यूज हो रहा है, सेम आपका N बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ भी N बिट का शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ भी वही कंसेप्ट है एन बिट का। यहाँ पर CI-1, मतलब यदि इफ CI इज योर साइफर देन CI-1 इज दी प्रिसीडेड साइफर टेक्स्ट, जो उसके एक माइनस वन मतलब उसके पहले का, एक पहले का है वो। ठीक है, जैसे यहाँ यदि C की वैल्यू आप 3 ले लो तो CI-1 आपका 2 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस देखो, केवल यहाँ पर आउटपुट फीडबैक जा रहा है, ये जो एरो दिख रहा है मतलब जो भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का हमारा आउटपुट आया एन बिट का, उसमें हमने आर बिट तो डाली ही डाली है, लेकिन इसके साथ उसका जो फीडबैक है, आउटपुट का जो फीडबैक है वो अगेन आपका कहाँ गया है, शिफ्ट रजिस्टर के इनिशियलाइजेशन इनिशियली इनिशियलाइजेशन वेक्टर में गया, जबकि यहाँ पर नहीं गया है। तो मेजर डिफरेंस यही है आपका आउटपुट फीडबैक मोड में, कि ये बहुत सिमिलर होता है साइफर फीडबैक मोड से, बस इसमें एक डिफरेंस ये है कि ईच बिट इन द साइफर टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस बिट्स और बिट। ईच बिट इन द साइफर टेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस बिट और बिट्स, मतलब डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी CI-1 जैसी चीजें नहीं लगी हुई है। दिस अवॉइड्स द एरर प्रोपागेशन, इफ एरर अकर्स इन ट्रांसमिशन इट डज नॉट अफेक्ट द फ्यूचर बिट। तो इसमें कंसेप्ट ये है कि यदि कोई एरर आता है तो डिपेंडेंसी नहीं है साइफर्स में, इसलिए एक एरर दूसरे साइफर्स में प्रोपागेट नहीं होगा। एज इन CFV बोथ द सेंडर एंड रिसीवर यूजेस द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, नोट दैट इफ इन OFB मतलब आउटपुट फीडबैक साइफर मोड में ब्लॉक साइफर सच एज DES कैन ओनली बी यूज टू क्रिएट अ की स्ट्रीम। अब यहाँ की स्ट्रीम का सिंपल मीनिंग है कि जो स्ट्रीम साइफर हैं उसको बनाने के लिए केवल हम दो एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं, एक है आपका DES और दूसरा है AES। DES जो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड अपन ने पढ़ा हुआ है, AES अपन आगे पढ़ेंगे। द फीडबैक फॉर क्रिएटिंग द नेक्स्ट बिट स्ट्रीम कम्स फ्रॉम द प्रीवियस बिट्स ऑफ द की स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ साइफर टेक्स्ट, मतलब जो फीडबैक सिस्टम है वहां पर वो नेक्स्ट बिट स्ट्रीम के उससे आता है, कम्स फ्रॉम द प्रीवियस बिट ऑफ द की स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ साइफर टेक्स्ट। मतलब यहाँ साइफर टेक्स्ट की डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ डिपेंडेंसी है की, जबकि यहाँ पर जो आपका साइफर फीडबैक सिस्टम था इसमें डिपेंडेंसी थी आपकी साइफर्स की,
जबकि आउटपुट फीडबैक सिस्टम में जो डिपेंडेंसी है वो है की अलग चीज है, साइफर अलग है, प्लेन प्लेन टेक्स्ट अलग है, तो की की डिपेंडेंसी है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मेजर वो देखते हैं। इफ वी चेंज द इनिशियलाइजेशन वेक्टर फ्रॉम वन इंक्रिप्शन टू अनदर यूजिंग द सेम प्लेन टेक्स्ट द साइफर टेक्स्ट विल बी डिफरेंट। सेम कंसेप्ट है, यदि इनिशियलाइजेशन वेक्टर चेंज होता है तो अलग अलग साइफर टेक्स्ट हमारे निकल के आते हैं। द साइफर टेक्स्ट सी आई डिपेंड्स ऑन द प्लेन टेक्स्ट पी आई, ठीक है, डिपेंडेंसी है। सेम वही कंसेप्ट, यदि किसी में एरर आएगा तो आपका फ्यूचर के जो अफेक्ट है, एरर इन वन और मोर बिट्स ऑफ द साइफर डू नॉट अफेक्ट द फ्यूचर साइफर टेक्स्ट ब्लॉक बिकॉज द डिपेंडेंसी इज ऑन द की नॉट ऑन द साइफर, व्हाइल हियर द डिपेंडेंसी इज ऑन द साइफर नॉट ऑन द की। तो एग्जाम में मिला जुला क्वेश्चन ये आ सकता है इस टॉपिक से कि एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। कहीं कोई इंटरव्यू में नहीं पूछने वाला इस टॉपिक को, सिंपल ये पूछेंगे भाई साइफर क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, और ये जो मोड ऑफ ऑपरेशंस है इस पे एक सिंपल आपका थ्योरी